बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फूड लवर कराची यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिफेंस फेज 2 में और यहाँ पे आज हमारी आने की वजह है ट्रॉपिक, जिनके जो जूसेस हैं और जो आइसक्रीम वगैरह है वो काफ़ी अच्छे हैं और एक इनकी जो स्पेशलिटी है वो काफ़ी यूनिक है और वो मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, इंट्रो में नहीं बता रहा हूँ, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। और आइए ज़रा इधर अंकल से जानते हैं कि इनके पास क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। और नई आने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग मेरे पीछे ये देख सकते हैं, इधर जो आइसक्रीम है वो मेकिंग हो रही है। मैंने लाइफ भाई पहली दफ़ा जो है आइसक्रीम जो है मैंने मेकिंग होते हुए देखी है, वरना हम लोग अक्सर शॉप पे जाते हैं, सीधी सीधी बाय करते हैं और खा लेते हैं। तो अंकल यहाँ पे अभी चॉकलेट चीज आइसक्रीम जो है वो बना रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा, ये पूरी मशीन है आइसक्रीम की जिससे आइसक्रीम बनाई जाती है। तो आए हम लोग आगे चलते हैं। Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. मौजूद हैं इधर के आइसक्रीम मेकर अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल है? अंकल नाम क्या है? अमीन। अमीन अंकल, थोड़ा हमारे को आइसक्रीम के हवाले से थोड़ा आप गाइड करें, आपके पास कौन कौन से जो फ्लेवर्स हैं वो मौजूद है? मेरे पास इस वक्त योगो बेरी मौजूद है, स्नैकर्स है, लोटस हम बनाते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा चलती है फैशन फूड हो गई, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक हो गई, लेमन विथ जिंजर हो गई, और हमारे पास ओरियो है वो सबसे ज़्यादा चलती है, कॉफ़ी है, वैसे हमारे पास 24 फ्लेवर्स हैं। तो अंकल जैसे एक वेलवेट आपका जो फ्लेवर है, इसमें जो रेड कलर की जो आइसक्रीम होती है ये खाते हैं बच्चे तो उनके? नहीं नहीं, वो हमारे पास बबल गम है, बबल गम अगर आप खा भी लें तो उसकी वो ब्लूइश नहीं होती है, क्योंकि ये रूबिकॉन की सारी प्रोडक्ट हमारी इटली की है, जो बॉस्टन रोबन यूज़ करता है, जो मूविंग पुई की यूज़ करता है, हम वही यूज़ करते हैं, बट हमारे जो प्राइस है उसकी कैटेगरी से बहुत नीचे है। तो अंकल ग्लूटो आइसक्रीम के आप हवाले से थोड़ा गाइड करें हमारे को। जिलेटो आइसक्रीम बिल्कुल डिफरेंट होती है, आप पिशावरी ले लें या वो ले लें, वो पंप वाली होती है, उसमें प्रेशर पंप से दी जाती है, और जिलेटो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट, उसकी मैरिनेशन उसकी बिल्कुल सॉफ्ट आइसक्रीम होती है वो। तो अंकल आपके जो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है वो हमारे को गाइड करें, और आपका स्पेशल आइटम जो है? हमारा स्पेशल सबसे ज़्यादा जो चलता है वो योगो बेरी चलता है, फैशन फूड हो गया, हमारी बबल गम हो गई, ये तीनों फ्लेवर सबसे ज़्यादा हमारे रनिंग वाले सबसे ज़्यादा। अंकल थोड़ा रेट के हवाले से भी हमारे को रेट हमारे जो अदर और ट्रॉपिक के हवाले से थोड़ा हमारे को कंपेयर करते भाई, जो हम कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो पिशावरी के मुकाबले में हमारे दाम कम है, पिशावरी के दाम हमसे बहुत ज़्यादा है। और हैवी ग्लूटो आइसक्रीम, और ग्लूटो जिलेटो आइसक्रीम हमारी पिशावरी वाला जो देता है वो छोटा कप देता है, वो हमें वो कस्टमर को देता है 140 का, हम कस्टमर को वही उससे अच्छी चीज़ देते हैं 120 में, 120 और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी हमारी उससे कहीं ज़्यादा, किसी से भी हम कंपेयर अगर करें तो हमारी क्वालिटी सबसे डिफरेंट है। अंकल तो इधर का जो एड्रेस है वो हमारे को आप गाइड करते चलें। हमारी डिफेंस ए मार्केट है,
ये जहाज चौरंगी किसी दौर में कहलाती थी, एवन स्नैक्स है, एवन स्नैक्स के बिल्कुल अपोजिट है हमारी। तो अंकल अगर कोई बर्थडे पार्टी में अगर कहीं और शादी में अरेंज कराना चाहें तो आप सब हो जाता है हमारे पास, हमारे यहाँ से फ्रिज जाता है, हमारे दो लोग जाते हैं सर्विंग के लिए, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सर्विंग होती है, हर चीज़ होती है। अच्छा अंकल ये मशीन मैंने देखी, इसके हवाले से थोड़ा आप गाइड करते चले, इसमें क्या मतलब ऐसा चीज़ है कि आपने, आपको क्या आइडिया है कि आपने डायरेक्ट मशीन ही मेकिंग करने वाली यहीं रख ली? पहले चलती थी, एक तो ये है कि लोगों को पता चले कि हाइजीनिक है, पीछे बनती है पता ही नहीं चलता क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, यही बात तो बर्फ़ वाली जगह पे बनाते हैं, ये सामने कस्टमर को पता चलता है कि आया हाइजीनिक बन रही है कस्टमर के सामने। यही बात अंकल मैंने पहले भी बनाई, मैंने वीडियो में बोली कि डायरेक्ट हम लोग तो आइसक्रीम लेके खा लेते हैं, पता ही बनाने का मकसद ही है कस्टमर को पता तो चले हम कस्टमर को दे क्या रहे हैं, एक पीछे कमरे में भी हम बना सकते थे, बनाने का मकसद ही है कस्टमर को पता चले कि हाइजीनिक हम कितनी दे रहे हैं कस्टमर के। पाकिस्तान में ये वाहिद हम हैं कि जो लाइव हम बनाते हैं और कस्टमर के सामने बनाते हैं। तो अंकल टोटल फ्लेवर्स आपके कितने? 24 फ्लेवर्स इस वक्त। तो बहुत शुक्रिया अंकल, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो व्यूअर्स आप लोगों ने अंकल का इंटरव्यू देखा, तो आए हम लोग आगे चलते हैं। Turns to sun rays and on and on we'll go. आज जो है ट्रॉपिक जूथ सेक्शन में, तो आए हम लोग, जरा एक भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। थोड़ा हमारे को जूसेस के हवाले से गाइड करें और कॉफ़ी वगैरह के हवाले से भी आप थोड़ा गाइड करें। जी हमारे पास काफ़ी जूस हैं, कॉकटेल हैं मिक्स में, जैसे कि हमारे पास फैट बर्नर, ABC, मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, आफ्टर समर है, पॉमीग्रेनेट है, एप्पल पॉमी क्रश है, और कॉफ़ी में हमारे पास लाटे, कैपिचिनो, कैफे मोका, अमेरिकानो, रेड रोस्ट अल्टिम। अच्छा कॉफ़ी के हवाले से भाई एक सवाल करना चाहूँगा, बहुत से लोग कॉफ़ी पीते हैं और वो लोग ये सवाल करते हैं कि कॉफ़ी जो है वो कड़वी हो रही है, तो ऐसा कुछ आपकी कॉफ़ी में तो सीन नहीं है? जी जी हमारे कुछ फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि चॉकलेट कैफे मोका, उसमें चॉकलेट फ्लेवर होता है, कैरेमल मेटियाटो उसमें कैरेमल फ्लेवर, उससे मीठा लगता है आपको। अच्छा भाई थोड़ा ये हमारे वो जूसेस के वाले से आपका रनिंग आइटम जो है वो हमारे को आप गाइड करते चले। रनिंग आइटम है हमारे पास ABC है, जैसे कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, एप्पल, ऑरेंज, कोकम्बर, जिंजर, मिंट एंड बीटरूट। मेटाबॉलिज्म की आप हमारे व्यूअर्स को जिनको नहीं पता उनको गाइड करें कि ये क्या चीज़? इसके अंदर एप्पल होता है, ऑरेंज, कोकम्बर, जिंजर, मिंट एंड बीटरूट, मेटाबॉलिज्म बूस्टर कॉम्बिनेशन है ये, और आफ्टर समर है एप्पल, गुआवा, पोमीग्रेनेट। भाई आप अपने हवाले से बताएं आपकी स्पेशलिटी कौन सी, सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम जो है वो कौन सा? सर रनिंग आइटम हमारा फैट बर्नर भी है, आफ्टर समर है, एप्पल पॉमी क्रश है, द चार्जर है, मॉर्निंग रिफ्रेशर है, और भी काफ़ी जूसेस हैं हमारे पास, लीवर डिटॉक्स भी है। बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने भाई का इंटरव्यू देखा, तो आए हम लोग आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमारे पास मौजूद है इधर का ABC जूस। अब ABC क्या होता है अब ये हम आपको बताते हैं कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनका मिला के भाई जूस बनाया जाता है, ये वाला ये आप लोग देख सकते हैं रेड हम लोग ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह काफ़ी जो यमी है वाला जूस है, उसमें कैरेट का जो है वो वाला जायका आ रहा है। भाई वैसे भी कैरेट का जूस पीना चाहिए, क्योंकि कैरेट का जूस पीने से जो है जिसमें भाई खून बनता है, और हम लोग अक्सर सुना करते थे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लाल पठान हो जाता है बंदा कैरेट का जूस पीने से, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। ABC जूस इनका जो है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया, और हाइजेनिक का भाई आप लोग पूछे ही नहीं, माशाल्लाह काफ़ी सफाई सुथरा है, और इनके जो इनके फ्रूट्स हैं और काफ़ी फ्रेश हैं, और काफ़ी सफाई हाइजेनिक के साथ उनको कटिंग करके उनका जूस बनाया कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। इनका जो ABC जूस है मुझे काफ़ी पसंद आया। आए हम लोग आगे चलते हैं। See the horizon.
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. इधर का एक जूस है रेड बेरी मोजीतो, तो भाई से जानते हैं, भाई थोड़ा इसके हवाले से आप हमारे को गाइड करें। हाँ जी, ये मोजीतो है, रेड बेरी मोजीतो। इसके अंदर ब्लू बेरी है, लेमन है, मिंट है और डाइट सेवन अप है, और तीन चार क्यूब इसके आइस के हैं। तो ये इसका टेस्ट कैसा लग जाता है, जैसे लिमका हमारे होता जी है? जी, वो लिमका होता है, मगर ये लिमके से हट के इसका टेस्ट उससे भी अच्छा है। इसमें फ्रेश बेरीज हैं, जैसे कि ब्लू बेरी, उसका अच्छा टेस्ट आता है, लेमन का, मिंट का, सबका इक्वल सा टेस्ट आता है, अच्छा सा। फुल हाइजेनिक तरीके से? जी बिल्कुल सर, हाइजेनिक तरीके से हम बनाते हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह नहीं, सब ओरिजिनल। बिल्कुल, तो ये आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा भाई ने, अच्छा भाई इसमें मिंट वगैरह डालने का आपने? जी जी, मिंट डाला हुआ है इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मल्टीपल इसमें चीज़ें जो हैं भाई ने ऐड करी हैं। तो आए हम लोग आगे चलते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो बस ये भाई, आप भाई की जो आर्ट है वो आप लोग चेक करें, माशाल्लाह भाई ने कॉफ़ी के ऊपर हमारे को हर्ट बना के दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं भाई, काफ़ी मेहनत से जो भाई ने हमारी लिए कॉफ़ी रेडी करी और काफ़ी हर्ट में वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आए हम लोग आगे till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and ने हमारे को एक बहुत अच्छी बात बताई, अंकल की जो आइसक्रीम है टोटली जो है वो नेचुरल चीज़ों पर बनी हुई है, किसी किस्म का जो है एसेंस का उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, टोटली जो है वो नेचुरल होती है। सारे उसमें जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर रेड वेलवेट है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, स्नीकर्स है तो स्नीकर्स उसके अंदर ऐड करी जाती है, कोई स्नीकर्स का जो है एसेंस वगैरह उसमें ऐड जो है वो नहीं किया जाता, सारी नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं। तो ये मेरे को एक चीज़ अंकल ने काफ़ी अच्छी बताई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते चलें। तो आए बस हम लोग आगे चलते हैं। बस फाइनली हम लोग आ जाते हैं रिव्यू सेक्शन की जानिब। तो हमारे पास मौजूद है इधर की योगर्ट आइसक्रीम। अच्छा, योगर्ट आइसक्रीम जो होती है वो अंकल ने बताया भाई काफ़ी कम लोग पाकिस्तान में बनाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना योगर्ट आइसक्रीम का जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, योगर्ट आइसक्रीम ऐसी आइसक्रीम होती है जो आप 12 महीने खा सकते हैं भाई। ये पेवर दही से बनाया जाता है, दही योगर्ट से। माशाल्लाह भाई, आइसक्रीम का टेस्ट तो है लाजवाब है, और काफ़ी जो मीठी, ये आप लोग कह सकते हैं मीठी आइसक्रीम है ये। और ये आप लोग ज़रा चेक करें। अच्छा अंकल की भाई ख़ास बात ये है, अंकल आप लोगों के सामने जो है वो आइसक्रीम की मेकिंग कर रहे हैं, और किसी किस्म का कोई मतलब गंदगी का तो मैं तो कह रहा हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, इतना हाइजेनिक तरीके से अंकल ने समझ लें इंट्रोड्यूस कराई हैं चीज़ें भाई पाकिस्तान में, और काफ़ी लाजवाब टेस्ट है इसका। तो आए हम लोग आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स, होता है इस वीडियो का इख्तिताम। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाजमी लाजमी हमें कॉमेंट्स बॉक्स में बताएँ,
और भाई यहाँ की ट्रॉपिक की आप लोग आके आइसक्रीम लाजमी ट्राई करें। और अंकल ने भाई क्या क्वालिटी रखी हुई यार आइसक्रीम की यार, उसकी क्वालिटी आप लोग आके हमें भी बताएं भाई, आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो नाइस उधम लोकल वाली आइसक्रीम नहीं है भाई, यहाँ पे गेम कुछ और ही है। जो अंकल बता रहे हैं बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, जो पाउडर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं जिससे फैट नहीं आता बिल्कुल भी, अंकल वो अपने शेक में डाल के दे रहे हैं, अपने जूसेस में डाल के दे रहे हैं भाई। तो अब आप लोग क्वालिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं, आप लोग लाजमी विजिट करें। फॉर प्रमोशन एंड स्पॉन्सर 03111408506 4। हमें दीजिए इजाज़त, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।